मुझे पता है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो Realme के अपकमिंग फ़ोन Realme 7 सीरीज का वेट कर रहे हैं, जिसमें Realme 7 और Realme 7 Pro लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि Realme 7 और 7 Pro में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी प्राइस क्या हो सकती है इंडिया में, और कब तक ये फ़ोन लॉन्च होंगे, और क्या कुछ अपग्रेड के साथ ये फ़ोन लॉन्च होंगे Realme 6 सीरीज से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से Realme 7 सीरीज को लेके जो है बहुत सारे रूमर्स लीक सामने निकल के आए हैं, और अब फाइनली दोस्तों Realme 7 सीरीज को लेके ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि Realme 7 सीरीज में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Realme 7 के बारे में। तो दोस्तों Realme 7 जो है थोड़ा सा अपग्रेड होने वाला है Realme 6 से। इस फोन में दोस्तों आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पे भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पे भी अपग्रेड किया गया है। इस बार आपको MediaTek का Helio G95 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और ये एक 4G चिपसेट होने वाला है। दोस्तों यहां पे आपको कोई भी 5G का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, और फोन में आपको अप टू 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं कैमरास के ऊपर, तो यहां पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलने वाला है, और दोस्तों जो सेंसर होगा वो सोनी की तरफ से आने वाला है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात करता हूं बैटरी लाइफ की, तो यहां पे आपको 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ भी इस बार काफी अच्छी रहने वाली है इस फोन में। उसके अलावा अगर बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा इस फोन में आपको, और यहां पे सभी बेसिक सेंसर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फोन में 3.5mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और ये जो फोन है Android 10 पे आने वाला है और Realme UI के साथ आने वाला है। तो यही कुछ चीजें दोस्तों आपको Realme के 7 में देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इसका पोस्टर भी लीक होकर सामने निकल के आया, आप देख सकते हैं, जहां पे सलमान खान जो है एक फोन को पकड़े हुए हैं। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं Realme 7 Pro की, तो यहां पे आपको काफी अपग्रेड मिलने वाला है। Realme 7 Pro में दोस्तों आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पे हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। अगर ये फोन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता और सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता तो और भी कमाल कर सकता था, लेकिन फिलहाल दोस्तों इसमें आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेके, तो यहां पे दो चीजें सामने निकल के आई है प्रोसेसर को लेके। कुछ लीक्स में ऐसा बोला जा रहा है कि 720G होगा स्नैपड्रैगन का, कुछ लीक्स में ऐसा आ रहा है कि 730G होगा। मेरे ख्याल से अगर 730G होता है दोस्तों तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक अपग्रेड होगा और मुझे लगता है कि 730G ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो पिछला जो फोन था Realme 6 Pro वो भी हमें 720G पे देखने को मिल रहा था। तो यहां पे अपग्रेड अगर करना चाहें प्रोसेसर में, तो 730G के ऊपर ही जाना पड़ेगा Realme को। उसके अलावा फोन में आपको 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, और जो कैमरास होने वाले हैं दोस्तों वो भी काफी अच्छे रहने वाले हैं। इस बार आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको जो है सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा। जो फ्रंट कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का होने वाला है दोस्तों यहां पे। और अगर मैं बात करता हूं बैटरी लाइफ की, तो यहां पे आपको 4500 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है, और ये वर्ल्ड का शायद पहला फोन होगा जो इतने कम प्राइस में दोस्तों आपको जो है 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देने वाला है। और इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट दोस्तों ये भी रहने वाला है कि इस फोन में आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो बाकी सभी चीजें दोस्तों Realme 7 के तरह ही होने वाली है, जैसे कि 3.5mm ऑडियो जैक आपको मिलेगा, इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, और Realme UI के साथ आने वाला है Android 10 के ऊपर। बाकी सभी चीजें दोस्तों जो है जैसे Realme 7 में आपको मिलने वाली वैसी ही मिलने वाली है। तो यही कुछ चीजों के साथ दोस्तों Realme 7 और Realme 7 Pro लॉन्च होने वाला है। अगर हम देखें तो काफी कुछ अपग्रेड होने वाला है Realme 6 सीरीज से अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि Realme 7 Pro में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, साथ ही दोस्तों आपको जो है 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और Realme 7 जो है दोस्तों वहां पे भी आपको प्रोसेसर नया देखने को मिलेगा MediaTek का Helio G95। तो यहां पे अपग्रेड जो है Realme ने किया है, इसके लिए थम्स अप। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस फोन के लॉन्च डेट को लेके और इसकी प्राइस को लेके, तो ऐसा बोला जा रहा है ये जो फोन है 3 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और इसकी जो प्राइस है 15,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है। जो Realme 7 है दोस्तों वो ऐसा बोला जा रहा है कि Realme 7 जो है 15,999 रुपए या फिर 14
₹14,999 की प्राइस में लॉन्च हो सकता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं Realme 7 Pro की, तो ये लगभग आपका 20,000 की स्टार्टिंग प्राइस से लॉन्च होगा इंडिया में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको Realme 7 और Realme 7 Pro, मुझे बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।